हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट की वीडियो में। इस वाले वीडियो में हमारी जो कुर्सी जैसा घर है हमारा, उसको हम सजाएंगे ताकि वहाँ पर हमारे सी और ये हमारा प्लेन जो कि मैंने अभी बनाया उसकी वीडियो भी है। अगर आपको देखनी हो तो जाके देख लेना, काफ़ी अच्छा प्लेन है। और ये हमारा घर है कुर्सी जैसा, जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले बना दिया था लेकिन उसमें सजावट नहीं करी थी। तो ये ही हमारा घर के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ पर हम लोग करेंगे सजावट ताकि हम यहाँ पर रह सकें, इसलिए हम यहाँ पर सजावट करेंगे। और पहले तो हम धूप पर हम यहाँ पर हम लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर हम सो सकें। मैं तो ये की हूँ तो हम धूप पर हम डाल देते हैं इसके ऊपर ताकि हम यहाँ पर रह सकें। और यहाँ पर मेरा विचार है कि हम नीचे हमारी चेस्ट और काफ़ी ड्रिबल हो सब हम नीचे लगा दें ताकि नीचे वो सब ज़्यादा अच्छे लगेंगे, उसका लुक भी अच्छा है, जगह भी हमारी बचेगी, इसलिए हम नीचे ही लगाएंगे हमारी चेस्ट, काफ्टिंग टेबल और ओवन, ये सब चीज़ें हम नीचे ही लगा देंगे ताकि ज़्यादा अच्छा लगे ये चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम ओवन लगा देते हैं हमारे, और यहाँ पर हम इसकी जैसी दूसरी बहुत चीज़ें वहाँ ये भी हम लगा देते हैं, ब्लास्ट फर्निश लगा दिए यहाँ पर हमने, वहाँ पर लगा दिया है, काफ़ी अच्छे डिजाइन लुक आ रहा है हमारा घर का। और यहाँ पर हम लैंप भी लगा दिए, लैंटर्न, ताकि उसे थोड़ा ऊँचा ला जाए, वो मूव ज़ॉम्बी वगैरह ना आ जाए, स्केलेटन वो सब यहाँ पर ना आ जाए। और अब हम फूल जो है हमारा वो भी लगा दिए, इसलिए फूल से खुशबू आएगी तो मज़ा आएगा। तो हम खट्टे कलर का हमारे फूल भी है वो भी हम लगा देंगे यहाँ पर। फिर चेस्ट में सोचा हूँ यहाँ पर भी लगा दूँ एक चेस्ट, वो भी नहीं बाद में सोचेंगे। फिर एकदम फ्लावर लगा देते हैं हमारा ऑरेंज वाला, और पहले हम इस तरह में लगा के देखूँ ये अच्छा लगता है या नहीं। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे तो हमको नहीं लगाना यहाँ पर। तो भी हम मैंने वो जो है हमारे चेस्ट वो हम पहले लगा दे, बाद में हम वो पहले हम फ्लावर लगा दे, बाद में वो सब करा पाएंगे। तो यहाँ पर एक फ्लावर यहाँ पर एक, और उसमें हम वो नीचे तो हम लग दिए हमारे फूल लग दिए यहाँ पर भी रख दिए एक, ताकि ज़्यादा अच्छी खुशबू आए। यहाँ पर भी हम रख देते हैं ताकि काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है, वैसे खुशबू भी आ रही है। और अब हम हमारे काफ्टिंग टेबल और चेस्ट है जो वो वहाँ पर लगा दें साइड में, ताकि उसमें हम सब चीज़ें रख सकें और उसमें हमारा सब कुछ माल पड़े रहे, ताकि उससे ज़्यादा अच्छा लुक भी आएगा हमारे घर का यहाँ पर। और अब हम जो हमारी तिजोरी होती है और जैसे हमारे खाने उसकी तरह हम रखेंगे यहाँ पर, ताकि उससे ज़्यादा अच्छा लुक आए और डिजाइन आए, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे। और इसके ऊपर अब हम फर्निश लगा देंगे, अब काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। लेकिन ये जो है प्लैंक वो हम नीचे ऊपर लगा दें, ऊपर टच होते हुए से तो उसका ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, अभी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है हमारे घर का। और इसी तरह हम सामने भी लगा देते हैं ताकि दोनों साइड सेम टू सेम मिल जाए, दोनों साइड काफ़ी अच्छा लुक आए। तो मैंने हम यहाँ पर भी लगा देते हैं तो उसके जैसा ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ओवन फर्निश लगाएंगे हम उससे अलग, ताकि वहाँ पर हम इसमें खाना भी हम पका सकें। और यहाँ पर चेस्ट तो नहीं लगेगी, इसलिए चेस्ट का ढक्कन नहीं खुलेगा, इसलिए हम चेस्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम ओवन फर्निश है वो हम ब्लास्ट फर्निश सॉरी ब्लास्ट फ्लोर फर्निश जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिए है। और अभी आपको ये वाला मेरा वाला घर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। और मैं इसमें यहाँ पर ये सब हटा दिए मैंने, अभी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, सब चेस्टों को मैंने हटा दिया है और सब चेस्ट और बाकी सब चीज़ों को हटा दिया, सिर्फ एक लिए वहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल ये रखी है, उसे क्या कहते हैं मुझे नाम भी नहीं आता, वो मैंने सब बाजू रख दी, उसे काफ़ी अच्छी लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छी डिजाइन आ रही है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी
जो कमेंट में बताना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।